हे गाइस वेलकम बैक। आज है हमारे पास दो तगड़े फोन, एक है ओप्पो रेनो 5 प्रो मीडियाटेक डायमेंसिटी 1000 प्लस के साथ, तो एक है स्नैपड्रैगन 855 के साथ रेडमी K20 प्रो। सो आज की इस वीडियो में ऐप ओपनिंग टेस्ट, स्पीड टेस्ट, रैम मैनेजमेंट टेस्ट, हीटिंग टेस्ट, बहुत कुछ आपको इन दोनों फ़ोन के बीच में देखने को मिल जाएगा। दोनों भी फ़ोन यहाँ पे एंड्रॉयड 11 के ऊपर रन हो रहे हैं। हालांकि रेडमी K20 प्रो में जो एंड्रॉयड 11 के साथ MIUI 12.5 है, ये अभी बीटा स्टेज में है। और यहाँ पे ओप्पो रेनो 5 प्रो में कलर OS 11.1 चल रहा है। और यहाँ पे ओप्पो रेनो 5 प्रो में आपको 8GB का रैम देखने को मिल जाता है, तो रेडमी K20 प्रो में आपको 6GB का रैम देखने को मिल जाता है। दोनों भी फ़ोन 128GB के साथ मेरे पास अवेलेबल है। तो यहाँ पे ओप्पो रेनो 5 प्रो में डिस्प्ले सेक्शन के अंदर एक्स्ट्रा 90 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है, जिसको मैं इनेबल करके रखूँगा। और K20 प्रो के डिस्प्ले सेक्शन में आपको कोई भी एक्स्ट्रा डिस्प्ले रिफ्रेश रेट देखने को नहीं मिलता। तो टेस्ट को यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बूटिंग टेस्ट, यहाँ पे दोनों भी फोन को मैं रिबूट कर लेता हूँ और देख लेते हैं सिस्टम के अंदर कौन सा फोन सबसे पहले बूट हो जाता है। ओ गाइस, सबसे पहले यहाँ पे बूट हो चुका है रेडमी K20 प्रो, और लगभग उसके 10 सेकंड के बाद यहाँ पे बूट हो चुका है ओप्पो रेनो 5 प्रो, जिसमें आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 1000 प्लस का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे बूटिंग टेस्ट में क्लियर विनर है K20 प्रो। उसके साथ दोनों भी फ़ोन में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट्स देखने को मिल जाते हैं। और इसका स्पीड आप देख सकते हो, यहाँ पे मुझे दोनों भी फ़ोन में ऑलमोस्ट सेम देखने को मिल रहा है, बट यहाँ पे स्लो मोशन में आप देख सकते हो, तभी आपको पता चलेगा। तो यहाँ पे एनिमेशन की वजह से K20 प्रो में थोड़ा सा स्लो आपको देखने को मिल जाएगा, बट यहाँ पे यार इतना ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है। या जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो ऑलमोस्ट सेम है दोनों भी फ़ोन में। ओके, उसके साथ दोनों भी फ़ोन सेम वाईफाई नेटवर्क से यहाँ पे कनेक्टेड है। तो यहाँ पे हम ऐप ओपनिंग टेस्ट कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम सिस्टम बेस्ड एप्लीकेशन ओपन करके देख लेते हैं कौन सा फ़ोन फास्ट ओपन कर लेता है। सो फोन एपीके, तो ओप्पो रेनो 5 प्रो। ओके, उसके साथ मैसेज। तो यहाँ पे गाइस दोनों भी फ़ोन में सेम टाइम पे ओपन हो चुका है मैसेज एपीके। उसके साथ सेटिंग, फिर से ओप्पो रेनो 5 प्रो। ओके, उसके साथ गैलरी ऐप, और यहाँ पे K20 प्रो ने फास्ट ओपन किया। ओके, उसके साथ मैसेज एपीके, सॉरी कैमरा एपीके, और यहाँ पे ओप्पो रेनो 5 प्रो ने इसे फास्ट ओपन किया है। तो स्कोर देख सकते हो, 3 एप्लीकेशन फास्ट ओपन किए ओप्पो रेनो 5 प्रो ने, तो ओनली एक एप्लीकेशन ही K20 प्रो ओपन कर पाया। उसके साथ इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशन भी हम ओपन कर लेते हैं, फेसबुक। तो यहाँ पे ओप्पो रेनो 5 प्रो। ओके, उसके साथ इंस्टाग्राम, फिर से ओप्पो रेनो 5 प्रो। और गाइस इंस्टाग्राम पे आपने फॉलो नहीं किया तो फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। इंस्टाग्राम पे आप मुझे कुछ भी पूछ सकते हैं। ट्विटर, और ट्विटर भी यहाँ पे ओप्पो रेनो 5 प्रो ने फास्ट ओपन किया है। ट्विटर भी फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यहाँ पे भी हम ट्वीट करते रहते हैं। फ्लिपकार्ट, और फ्लिपकार्ट यहाँ पे देख सकते हो फिर से ओप्पो रेनो 5 प्रो ने फास्ट ओपन किया है। अमेजॉन, ओप्पो रेनो 5 प्रो फिर से। तो एक पेज ओपन करके रख देता हूँ मैं। उसके बाद यूट्यूब, फिर से ओप्पो रेनो 5 प्रो। यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट्स आपको इस चैनल के ऊपर देखने को मिल जाते हैं। प्ले स्टोर, तो यहाँ पे लगा K20 प्रो ने फास्ट ओपन किया है, बट ओप्पो रेनो 5 प्रो ने फास्ट ओपन किया था। स्पॉटिफाई, फिर से ओप्पो रेनो 5 प्रो। DRM Info, ओप्पो रेनो 5 प्रो। Geekbench, ओप्पो रेनो 5 प्रो। तो सेम टाइम पे टेस्ट को स्टार्ट किया है, तो सबसे पहले फिनिश किया था K20 प्रो ने। और स्कोर देख सकते हो, सिंगल स्कोर और मल्टी स्कोर। सिंगल स्कोर यहाँ पे ज़्यादा आ रहे K20 प्रो के, बट मल्टी स्कोर ज़्यादा आ रहे ओप्पो रेनो 5 प्रो के। हाँ गाइस, ओप्पो रेनो 5 प्रो में आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 1000 प्लस का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो स्नैपड्रैगन 855 से थोड़ा पावरफुल है। ओके, यहाँ पे
क्लॉक स्पीड भी आप देख सकते हो, चार चार कोर दोनों भी फ़ोन में आपको देखने को मिल जाते हैं, मतलब चार चार एट कोर देखने को मिल जाते हैं। ओके, उसके साथ यहाँ पे हम कर लेते हैं गेम ऐप्स ओपनिंग। सबवे सर्वर यहाँ पे ओप्पो रेनो 5 प्रो ने फास्ट ओपन किया। टेम्पल रन भी ओप्पो रेनो 5 प्रो ने फास्ट ओपन किया है। उसके बाद सीओडी को भी ओप्पो रेनो 5 प्रो ने ही फास्ट ओपन किया है। ओके, एस्पॉन 9 फिर से ओप्पो रेनो 5 प्रो। तो यहाँ पे घोर बेज्जती हो चुका है K20 प्रो का, एक भी सिंगल एप्लीकेशन ओपन नहीं कर पाया। ओप्पो रेनो 5 प्रो ने 14 में से 14 एप्लीकेशन फास्ट ओपन किए थे। ओके गाइज, उसके साथ हम रैम मैनेजमेंट टेस्ट भी कर लेते हैं। जो ऐप स्पीड टेस्ट के लिए जो एप्लीकेशन ओपन करके रखे थे हमने इनके रिसेंट में, तो वन बाय वन चेक कर लेते। फेसबुक ओप्पो रेनो 5 प्रो के रैम मैनेजमेंट में है। ओके, उसके साथ इंस्टाग्राम, ये भी ओप्पो रेनो 5 प्रो के रैम मैनेजमेंट में है। उसके साथ ट्विटर, ये भी ओप्पो रेनो 5 प्रो के रैम मैनेजमेंट में है। फ्लिपकार्ट, ये भी ओप्पो रेनो 5 प्रो और K20 प्रो के रैम मैनेजमेंट में है, दोनों के भी रैम मैनेजमेंट में था। ओके, अमेजॉन रिस्टार्ट हो चुका है। यूट्यूब, डोंट वरी गाइज, मैं कुछ गलत बोला तो स्कोर मैं बराबर लिखता हूँ लास्ट में, तो डोंट वरी। तो यूट्यूब भूल चुके थे, प्ले स्टोर भी है और स्पॉटिफाई भी, दोनों के रैम मैनेजमेंट में है। उसके बाद गिग बेंच ओप्पो रेनो 5 प्रो के रैम मैनेजमेंट में है। उसके साथ सबवे सर्फर और वो भी ओप्पो रेनो 5 प्रो के रैम मैनेजमेंट में है। टेम्पल रन, यहाँ पे भी K20 प्रो भूल चुका है। सीओडी दोनों भी फ़ोन भूल चुके हैं। और उसके बाद एस्पॉन 9 अभी भी ओप्पो रेनो 5 प्रो के रैम मैनेजमेंट में है, बट K20 प्रो इसे भूल चुका है। और जो करेक्ट रिजल्ट है गाइज, यहाँ पे मैंने लिखा है, जो यहाँ पे आप देख सकते, 5 एप्लीकेशन 14 में से ओनली K20 प्रो के रैम मैनेजमेंट में थे और 10 एप्लीकेशन 14 में से ओप्पो रेनो 5 प्रो के रैम मैनेजमेंट में थे। सो हीटिंग टेस्ट कर लेते हैं परफॉर्मेंस टेस्ट के साथ। तो यहाँ पे सबसे पहले दोनों भी फ़ोन में मैं CPU थ्रॉटलिंग को रन कर लेता हूँ 10 मिनट तक, और उसके बाद टेम्परेचर भी हम चेक कर लेते हैं और परफॉर्मेंस कैसा मिलता है दोनों फ़ोन का ये भी हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे लगभग 10 मिनट हो चुके हैं, रूम टेम्परेचर है 21 डिग्री सेल्सियस। और बात करें फ़ोन टेम्परेचर की, तो यहाँ पे K20 प्रो है 35.3 डिग्री सेल्सियस पे, ओप्पो रेनो 5 प्रो है 38.4 डिग्री सेल्सियस पे। तो यहाँ पे ओप्पो रेनो 5 प्रो का टेम्परेचर बढ़ चुका है। ओके गाइस, उसके साथ बैक पैनल का भी टेम्परेचर मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे 33.2 पे K20 प्रो और ओप्पो रेनो 5 प्रो है 38.3। ओके, 4 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है, नीचे टेम्परेचर कम है बट टॉप में टेम्परेचर ज़्यादा है। तो यहाँ पे CPU थ्रोटलिंग की बात करें तो दोनों भी फ़ोन में CPU थ्रोटलिंग होती है, बट ओप्पो रेनो 5 प्रो में आपको परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अप डाउन यहाँ पे देखने को मिल जाता है, और कांस्टेंट परफॉर्मेंस आपको K20 प्रो में देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पे CPU थ्रोटल 269% ऑफ इट्स मैक्सिमम परफॉर्मेंस ओप्पो रेनो 5 प्रो में है, तो K20 प्रो में 85% पे है। बाकी मैक्सिमम मिनिमम और एवरेज स्कोर मुझे ओप्पो रेनो 5 प्रो के ज़्यादा देखने को मिले, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो। और ऑफकोर्स ओप्पो रेनो 5 प्रो जिसमें डायमेंसिटी 1000 प्लस का प्रोसेसर आता है, ये स्नैपड्रैगन 855 से पावरफुल है और बेटर परफॉर्म करता है। बट यहाँ पे ओप्पो रेनो 5 प्रो में जो कलर OS आता है उसको थोड़ा सा ऑप्टिमाइज़ करने की ज़रूरत है। बाकी K20 प्रो ने भी अच्छी टक्कर दी, बट मेरा 12.5 में K20 प्रो में भी जो ऐप ओपनिंग के एनिमेशन है थोड़े से स्लो देखने को मिल जाते हैं। बाकी ऐसा कुछ टेस्ट था, आपको कैसे लगा जरूर कमेंट करना, और कौन कौन से वीडियो चाहिए ये भी आप कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।